सीरियल किलर के केस के लिए एक एफबीआई एजेंट को बुलाया जाता है पर एक विटनेस के साथ इन्वॉल्व होके। इस विटनेस के कुछ सीक्रेट्स थे और यही पर सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेकिंग लाइव्स 2004 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके ट्विस्ट के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक टाउन के बस स्टॉप में एक लड़का अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। इसका नाम है मार्टिन। बस में उसके साथ मैट नाम का लड़का आकर बैठ जाता है। उसने उसे पूछा कि तुम कहां पर जा रहे हो। मार्टिन ने कहा कि यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर मैं जा रहा हूँ। मैट भी ऐसा ही कुछ कर रहा था तो दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। अचानक से बस बंद पड़ जाती है। मैट ने कहा कि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मुझे 12 घंटे वेट करना पड़ा था। इतना वेट ही नहीं कर सकते। पास में उन्हें कार रेंटल का शॉप दिखा, वहां पर डिपॉजिट देकर वो कार रेंट कर देते हैं। मैट ने कहा कि वो ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि कुछ इलीगल ड्राइविंग की वजह से उसका ड्राइवर लाइसेंस ले लिया गया था। मैट ने कहा कि मेरे स्टेप फादर मुझे बहुत मारते थे। एक बार उसने उन्हें मारने की कोशिश की और इस वजह से उन्होंने उसे मिलिट्री स्कूल में भेज दिया था। वहां से वो भाग कर आया और अपने म्यूजिक करियर को कंटिन्यू करने के लिए एक जगह पर वो जा रहा था। अचानक से गाड़ी पंचर हो जाती है। मार्टिन को टायर चेंज करना नहीं आता था, टायर चेंज कर रहा था। पीछे से गाड़ी आती है और मार्टिन को एक आइडिया आया। उसने मैट से कहा कि हम दोनों की हाइट सेम है। गाड़ी जैसे ही पास आती है वैसे मार्टिन को पुश कर देता है। इससे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया और मैट की वहीं पर डेथ हो गई। अपनी आइडेंटिटी वो मैट के पॉकेट में रख देता है, यानी सबको लगे कि मार्टिन की डेथ हो चुकी है। मैट की जैसी पर्सनैलिटी थी उसी पर्सनैलिटी को लेकर मार्टिन आगे बढ़ा। अब इसके बाद 15 साल गुजर चुके थे। हम देखते हैं इस जेसीबी की खुदाई के वक्त एक डेड बॉडी मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी जब शिप से उतरी तो उसने अपने बेटे को देखा। वो तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। उसने कहा कि मेरे बेटे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसने मुझे पहचान लिया था, हम दोनों के बीच में आई कॉन्टेक्ट भी हुआ था। मेरा बेटा एक बहुत ही डेंजरस आदमी है। बॉडी मिलने को कुछ टाइम गुजर चुका था पर फिर भी मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। इसे सॉल्व करने का नाम पैकेट नाम के डिटेक्टिव को दिया गया था। उसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका बॉस लकले एफबीआई की डिटेक्टिव एलिना को वहां पर बुला लेता है। इस बात से पैकेट को बहुत ही बुरा लगा था। उसने कहा कि हम ये केस सॉल्व कर सकते थे। लकड़ी कहता है कि इस केस के पीछे कुछ ना कुछ तो अजीब है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्रेव देखने के लिए गए और उसी में एलिना सोई हुई थी। डिटेक्टिव ने कहा कि पहले मर्डर किया गया, उसके बाद उसे यहाँ पर दफनाने के लिए लाया गया था। एलिना कहती कि मर्डर पहले से प्लान किया गया था। जितनी विक्टिम की हाइट थी उसे सिर्फ 1 इंच यहाँ पर खोदा किया है। एक परफेक्ट स्क्वायर भी बना हुआ था। उसने विक्टिम की फोटो से फिगर आउट किया था कि वो साइकिलिंग किया करता था और पास में बाइसिकल का ट्रैक है। किलर को विक्टिम के रूटीन के बारे में भी पता था। उसने ये सब देखा और एक दिन उसे मार डाला। किलर ने जानबूझकर उसे कंस्ट्रक्शन साइट में दफनाया, यानी सबको पता चल सके। किलर अटेंशन चाहता है। बॉडी का फेस पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था, उसके हाथ भी तोड़ दिए गए थे। बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही हार्ड था। एलेना बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव थी, हर एक चीज को पहचान जाती थी। हमेशा वो केस का ही स्टडी करती रहती है। अगले दिन और एक मर्डर हुआ था पर इस टाइम मर्डर होते वक्त एक विटनेस ने देख लिया था। ये विटनेस हमारा और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है कॉस्टा। जैसे मर्डरर मर्डर कर रहा था इसकी सारी डिटेल्स वो बता देता है। पैकेट को लगा कि कॉस्टा कुछ अजीब है तो उसे क्वेश्चन पूछने के लिए एलिना जाती है। कॉस्टा एक पेंटर था तो उसने कहा कि किलर की स्केच में आपको बनाकर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के वक्त वो बहुत ही नर्वस है। कॉस्टा ने विक्टिम को बचाने की बहुत कोशिश की थी, सारा ब्लड भी उस पर लगा हुआ था। इस सबसे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था। एलिना जानबूझकर मर्डर वेपन नीचे गिरा देती है। इस बात से कॉस्टा बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा कि क्या तुमने जानबूझकर किया। एलिना पुलिस से कहती है जैसे मर्डर हुआ है। इससे हमें पता चलता है किलर लेफ्ट हैंडेड था। कॉस्टा राइट हैंड से ड्रॉ कर रहा है, उसने सिगरेट भी राइट हैंड से ही पी है। जब मैंने मर्डर वेपन को नीचे गिरा तो डिस्टर्ब हो गया था। अगर ये कोई सीरियल किलर होता तो इससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। केस की सारी फाइल्स टेबल पर ही पड़ी है। अगर कॉस्टा किलर होता तो इसे देखने की वो कोशिश करता। मीटिंग के बाद पैकेट ने एलिना से कहा, तुम्हें ये सब ट्रिक्स एफबीआई में सिखाई जाती है, तुम्हारी हर चाल में समझ सकता हूँ। इस तरीके से एलिना को देखकर कॉस्टा ने कहा कि मुझे उससे बात करनी है। कॉस्टा कहता है कि मैं उसे सिर्फ तुमसे दूर करना चाहता था। एलिना इसके लिए थैंक यू कहती है। जहाँ पर मर्डर हुआ था वहां पर एलिना ने इन्वेस्टिगेशन की। उसने कहा कि किलर ने इस बार का मर्डर ओपनली किया है, जैसे उसे अटेंशन की जरूरत है। उसे बताया कि हम केस सॉल्व करने में उसके पास नहीं पहुंचे, इसका मजा ले रहा है। केस सॉल्व करने के लिए पब्लिक का प्रेशर इन पर बढ़ रहा था। जिस बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट में गाड़ा गया था उसके क्रेडिट कार्ड फिर यूज किए गए थे, जैसे उसकी आइडेंटिटी उसने चुरा ली हो। कॉस्टा ने किलर का जो स्केच बनाया ये हर जगह पर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया था। एक बिल्डिंग के ओनर ने उन्हें कॉल किया,
वो कहता है कि 3 महीने का इसने रेंट पे नहीं किया था। ओनर को जरा दूर लेकर जाते हैं और जहाँ पर किलर रह रहा था वहां पर अंदर घुस गए। सब जगह उन्होंने चेक की। एलिना ने नोटिस किया कि छत में कुछ छिपाया हुआ है। वहां पर कागज से कुछ बनाया हुआ भी था। उसके साथ जो डिटेक्टिव था उसे सीलिंग के सामान में एक कटी हुई उंगली मिलती है। अगली मोमेंट पर सीलिंग से बॉडी नीचे आ गई। इस आदमी के भी क्रेडिट कार्ड किलर यूज कर रहा है। कल ही उसने एक जगह पर एक क्रेडिट कार्ड यूज किया था। एलिना ने कहा कि हम केस सॉल्व करने के पास हैं। हम इस मर्डर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। लगले ने कहा कि इससे तो गुस्सा आ जाएगा, उसे अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। एलिना कहती कि गुस्से में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर ही देगा। कोस्टा रात में बहुत ही लेट पेंट कर रहा था। उसे कुछ भूख लग गई तो कैफे में आ गया। वहां पर एलिना बैठी हुई थी। कोस्टा ने कहा कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर मुझ पर नजर रखी जा रही है। एलिना ने कहा कि किलर बहुत ही डेंजरस है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एलिना ने उस रात के मर्डर के बारे में डिटेल में उसे सब कुछ पूछ लिया। कोस्टा के हाथ में कुछ लगा हुआ था। एलिना ये देख लेती है तो कोस्टा कहता है कि पेंटिंग बनाते वक्त कभी कभी मेरे हाथ में कट लग जाता है। मेरा एक एग्जीबिशन है और इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है। वो पेंटिंग करने में कैसे इंटरेस्टेड हुआ इसकी स्टोरी भी उसने उसे बताई। कोस्टा ने एलिना को कहा कि मैं तुम्हें कॉफी ऑफर करता, पर एलिना ने बहुत सारी कॉफी ऑलरेडी पीकर रखी थी। वो कहता है कि शायद तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। एलिना इस पर हंसती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। इन दोनों में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। जिस बिल्डिंग में किलर रुका था वहां से उसने 20 बार एक घर में कॉल किया था। ये उसी लेडी का घर है जो मूवी के फर्स्ट में पुलिस ऑफिसर को बता रही थी कि उसने अभी अभी अपने बेटे को देखा और वो बहुत ही डेंजरस है। उसने उस लेडी को किलर का स्केच दिखाया। वो कहती कि शायद ये मेरा बेटा हो सकता है। घर में एलिना ने कुछ बच्चों की फोटो देखी तो आशा कहती कि वो ट्विंस थे। जब वो 14 ईयर्स के थे तो एक बार मार्टिन लेक में गिर गया था। उसका बड़ा ब्रदर उसे बचाने के लिए गया पर बड़े ब्रदर की डेथ हो गई। वो कहती कि इसके बाद मार्टिन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। वो पहले वायलेंट था और इसके बाद और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। जब वो 16 साल का था तभी मेरी ज्वेलरी चुरा कर वो भाग गया। मार्टिन की बॉडी निकालने के लिए एलिना फिर ग्रेव में जाती है। उसका जब एनालिसिस किया गया तो डॉक्टर कहती है कि मार्टिन की बॉडी नहीं है, जैसे कि हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था, तो ये मैट की बॉडी है। जब एलिना एशर के साथ थी तो उसने नोटिस किया था कि एशर के घर में एक बेसमेंट है, इसे जाकर वो देखना चाहती थी। इलीगल था पर फिर भी वो घुस जाती है। नीचे जाने पर उसने देखा तो जिस तरीके से लास्ट मर्डर सीन पर कागज की फिगर्स बनाई गई थी उसी टाइप की फिगर्स यहाँ पर भी है। वहाँ बेड पर सोकर देखती है तो एक होमलेस मैन ने उस पर अटैक कर दिया और वहां से भाग जाता है। एलिना ने रात में सब विक्टिम्स को लेकर बहुत स्टडी किया। अगले दिन वो मीटिंग बुलाती है और उसने कहा कि लास्ट 15 ईयर्स है हमारा किलर लोगों की आइडेंटिटी चुरा रहा है। जिस आदमी को भी वो मारता है उसकी आइडेंटिटी लेकर उसी के क्रेडिट कार्ड ये सब चीजें यूज कर वो जीता रहता है। बचपन में उसका ब्रदर डूबकर मर गया था। उसकी मदर उसे प्यार नहीं करती थी। खुद से दूर भागने के लिए दूसरे की आइडेंटिटी ले लेता है। पैरेलल में कोस्टा के घर पर चोरी हुई थी और उसके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स एक गायब थे। एलिना कोस्टा के कैलेंडर में देखती है तो कोस्टा की मीटिंग एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसे किलर ने ऑलरेडी मार दिया था। अगर कोस्टा उसे कल रात मिलने के लिए जाएगा तो किलर को पकड़ने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोस्टा इसके लिए बहुत ही डर जाता है। उसने कहा कि किलर बहुत ही डेंजरस है, अगर आप लोग मुझे बचा नहीं पाए तो मेरी तो जान चली जाएगी। एलिना कहती कि हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे और उसकी बात वो मान जाता है। कोस्टा ने एलिना से कहा कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो। उसे पूछता है कि तुम ये सब कर कैसे लेते हो। एलिना ने कहा कि जब मैं 12 साल की थी तो हमारे घर में एक आदमी चोरी करने के लिए घुस आया था। मैंने चाकू लेकर उसे मार डाला। इस जॉब में किलर्स को पकड़ने में इसी टाइप का मुझे मजा आता है। कोस्टा ने एलिना के हाथ में रिंग देखी तो पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। एलिना कहती कि मैं ऐसे ही इसे पहनती हूँ, वो अब भी सिंगल है। हम देखते हैं कि कोस्टा पर कोई नजर रख रहा था। अगले दिन उसे रेडी कर बार में भेज दिया जाता है। बहुत टाइम हुआ पर कोई भी आया नहीं था। उसे एक नैपकिन पर नोट मिली कि मुझे आकर बाथरूम में मिलो। वो बहुत डर कर बाथरूम में गया और वहाँ पैकेट था। उसने कहा कि शायद हमारे बारे में किलर को पता चल गया, इस वजह से वो नहीं आ रहा। कोस्टा इसे और भी ज्यादा डर गया। घर पर आने के बाद वो एलिना से कहता है कि मुझे इस तरीके से डरना नहीं चाहिए था, इससे मैं एक अच्छा आदमी नहीं लगता। एलिना कहती कि तुम बहुत अच्छे हो। कोस्टा ने कहा कि अच्छे आदमी को कभी भी लड़की नहीं मिलती। एलिना ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। अगले दिन एलिना ने लेक्लेयर से बात की। वो कहती कि विटनेस के लिए मुझे फीलिंग्स आ रही है और इस वजह से केस पर वो काम नहीं कर सकती। लेक्लेयर ने कहा कि पहले हम दोनों ने साथ में काम किया है, तुम कभी भी फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देती, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज इस केस पर काम करो। एलिना रुकने के लिए मान गए। एक दिन कोस्टा का शो था और वहां पर सब पुलिस उस पर नजर रखते हैं। वह भी थोड़ा थोड़ा एलिना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। यहाँ पर पुलिस को एक आदमी बहुत ही सस्पिशियस लगता है।
उसके पीछे भागे तो कांच तोड़कर वो भाग गया। लगलेन ने कहा कि अब हम कॉस्टा को यहाँ पर नहीं रख सकते, अगली फ्लाइट से उसे वो लेकर जाने वाले थे। सुबह वो रेडी हो जाता है, पर जो आदमी उस पर नजर रख रहा था उसके घर में पहुंच गया। वो कहता है कि तुम इस तरीके से जा नहीं सकते, तुम जो भी गेम्स खेल रहे हो इन सब पर मेरी नजर है। कॉस्टा ने जल्दी से बैग में से अपनी गन निकाली, पर उसे चलानी आती नहीं थी। बुलेट का आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर ऊपर आ गया। थोड़ी देर में एलिना वहां पर पहुंच जाती है। ऊपर गई तो पुलिस ऑफिसर को गोली लगकर उसकी डेथ हो गई थी। नीचे गाड़ी की आवाज आई, वो आदमी जबरदस्ती कॉस्टा को लेकर जा रहा था। एलिना उसका पीछा करती है। इनके चेस में कॉस्टा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वो आदमी बेहोश हो जाता है। कॉस्टा ने कहा कि ये वही है, कोई इसके पास जावा था, इसके पहले गाड़ी ब्लास्ट हो गई। कॉस्टा को थोड़ी सी चोट आई थी। पुलिस ने उस आदमी का डीएनए चेक किया तो कन्फर्म हो जाते हैं कि वही आदमी किलर है। रात में कॉस्टा एलिना से मिलने के लिए आया और ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह हुई तो कॉस्टा के वुंड में से खून निकल रहा था, तो एलिना उसे हॉस्पिटल में लेकर आई। कॉस्टा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी चल सकता हूँ, हम जहाँ पर भी हो वहाँ पर मैं पेंटिंग सेल करूँगा और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। एलिना को कॉल आ जाता है और ऐश्वर्य को डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए लाया गया है। उसने डेड बॉडी देखकर कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। ऐश्वर्य लिफ्ट में आई तो उसके पीछे कॉस्टा था। उसे मदर बुलाता, उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार बनना चाहता था। एलिना समझ जाती कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐशर की लिफ्ट नीचे आने से पहले नीचे आके लिफ्ट का दरवाजा खुला तो कॉस्टा ने ऐशर को मार दिया था। इस बात से एलिना को बहुत शौक लगता है, वो कुछ भी कर नहीं पाए और कॉस्टा नीचे चला गया। वो पैकेट को कॉस्टा को ढूंढने के लिए बोल देती है, पर उसे ढूंढ नहीं पाते। वो ट्रेन लेकर ऑलरेडी वहां से चला गया था। पैकेट एलिना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसे स्लैप कर देता है। ट्रेन में कॉस्टा एक आदमी के साथ बात करने लग गया, उसने उसे भी मार दिया और अब उसके आइडेंटिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा था। कॉस्टा के साथ जो आदमी था उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक चोर था। कॉस्टा ने उसके पैसे डुबाए थे और इसी वजह से उसका वो पीछा कर रहा था। एलिना को कॉल करता है, उसने कहा कि हम दोनों एक जैसे ही है, मैं तुम्हारे सामने जरा अलग बिहेव कर रहा था, मैंने तुम्हारे सामने प्रिटेंड किया, पर एक्चुअल में मैं जैसा हूँ तुमने मुझे वैसा ही देखा। हम एक साथ बहुत ही खुश रह सकते हैं, पर एलिना इस बात के लिए नहीं मानती। किस तरीके से कॉस्टा ने उसे बेवकूफ बनाया इस बात को लेकर वो बहुत ही हर्ट हो गई थी। कॉस्टा को ढूंढने का पुलिस ने बहुत ट्राई किया पर वो कुछ भी कर नहीं पाते। एलिना उसे सही से जज नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। इसके बाद 7 महीने गुजर चुके हैं। हम देख सकते हैं कि एलिना एक छोटे से गाँव में रह रही है क्योंकि वो प्रेगनेंट है। एक दिन अचानक से कॉस्टा उसके घर में आ गया। अपने घर में एलिना ने बहुत सारी गन्स छुपा कर रखी थी, पर कॉस्टा ने सब कुछ ढूंढ लिया था। वो नोटिस करती कि फर्स्ट मर्डर में कॉस्टा ने जो मर्डर वेपन यूज किया था ये उसके पास है। वो कहता है कि तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान था, मुझे जब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, हम दोनों कहीं दूर जाकर फिर से हमारी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। एलिना कहती कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुमने पेंटर होने का प्रिटेंड किया था, मैं उसी पेंटर से प्यार करती थी और ये बच्चे भी उसी के हैं। कॉस्टा इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, उसे मारने लग जाता है। एलिना चाकू लेती है पर कॉस्टा ने उसके हाथ से ले लिया। कॉस्टा को हॉस्पिटल से पता चला था कि एलिना को ट्विंस होने वाले हैं। वो एलिना को पकड़ कर कहता है कि इस वर्ल्ड में फिर से ट्विंस नहीं आ सकते। उसने चाकू लेकर डायरेक्टली उसके पेट में घुसा दिया। एलिना वही चाकू लेकर कॉस्टा के चेस्ट में डाल देती है। उसने अपने पेट में से कार्डबोर्ड निकाल लिया, कहती कि ये सब कुछ झूठ था, अपने जॉब से फायर होना, यहाँ पर आकर प्रेग्नेंट होने का प्रिटेंड करना, ये सब कुछ उसका कॉस्टा को पकड़ने का प्लान था। लकलेर को कॉल करके बता देती है कि कॉस्टा मर चुका है। इसी एलिना के बदले के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।